हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियादीप में और मैं हूँ प्रिया। हमने अक्सर अपने घरों की महिलाओं को देखा है कि वो जब भी आटा लगाती हैं तो उसमें उंगलियों के निशान बना देती हैं। हमने अपने घर में दादी, नानी, मम्मी, बुआ सभी को ऐसा करते देखा है, पर हमने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि वो ऐसा क्यों करती हैं। तो चलिए आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ हमारा ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। हमने अक्सर देखा होगा, खासकर महिलाएं रोटी पकाते समय या रोटी पकाने से पहले जब वो आटा गूंथती है तो अंत में उस पर उंगलियों से कुछ निशान बना देती है। सवाल यह है कि महिलाएं ऐसा क्यों करती हैं? क्या वह अपने हाथ में लगा हुआ आटा गूंथे हुए आटे पर चिपकाती हैं या फिर इसके पीछे कुछ और ही कहानी है? आइए जानते हैं। दरअसल इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है, बल्कि एक प्राचीन मान्यता है। हिंदुओं में पूर्वजों एवं मृत आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए पिंड दान की विधि बताई गई है। पिंड दान के लिए जब आटे की लोई, जिसे पिंड कहते हैं, बनाई जाती है तो वह बिल्कुल गोल होती है, यानी उसमें कोई निशान नहीं होता है। इसका आशय होता है कि यह गूंथा हुआ आटा पूर्वजों के लिए है। मान्यता है इस तरह का आटा देखकर पूर्वज किसी भी रूप में आते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि जब मनुष्यों के ग्रहण करने के लिए आटा गूंथा जाता है तो उसमें उंगलियों के निशान बना दिए जाते हैं। यह निशान इस बात का प्रतीक होते हैं कि रखा हुआ आटा लोई या पिंड पूर्वजों के लिए नहीं है, बल्कि यह इंसानों के लिए रखा गया है। प्राचीन काल में महिलाएं प्रतिदिन एक लोई पूर्वजों के लिए, दूसरी गाय के लिए, तीसरी कुत्तों के लिए निकालती थी। घर में अनेक महिलाएं होती थी। उंगलियों का निशान लगाने से पता चल जाता था कि इंसानों के लिए तैयार किया गया आटा कौन सा है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।